जय हिंद दोस्तों, मैं धावक अर्जुन यादव। आज बड़ी ही खुशी की बात है कि मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में एक नशा मुक्त प्रतियोगिता हुआ था जिसमें मैं भाग लिया था 10 किलोमीटर में। 10 किलोमीटर में मैं अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया और यहाँ के जो एक मेरे बड़े भैया पिता समान है और अफ्ताब भैया उसका नाम है, तो अफ्ताब भैया इधर आइए। और अफ्ताब भैया ने हमको फ़ोन करके बुलाया कि भाई आओ एकदम और आओ जीत कर जाओ, मेरा आशीर्वाद है। तो भैया का आशीर्वाद और भैया के फिजिकल भी चलता है पूरा, मतलब फिजिकल का लड़का हो या लड़की, भैया के फिजिकल में लड़की है, लड़का लड़की फिजिकल में इन लोग के बहुत सहयोग रहा। अब भैया का चैनल का नाम है चंपारण फिजिकल एकेडमी जो मोतिहारी में गांधी मैदान में चलता है और इसमें बहुत सारे भाई और बहन भाग लिए थे, अपना अपना सब जलवा दिखाया। देखिए आप हार मत मानिए, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति जीत सकता है पर दिल से हारा हुआ व्यक्ति नहीं जीत सकता। आप मैदान में हारिएगा तो आप जीत जाइएगा, दिल से मत हारिए और तैयारी में लगे रहिए। हमारा यही एक लक्ष्य रहता है कि अपना बिहार राज्य के बढ़ावा दें क्योंकि बिहार में एथलीट की बहुत कमी है। तो ऐसा मतलब हर एक राज्य के अपेक्षा हम लोग बिहार राज्य पीछा रहता है, नेशनल में हम लोग को मेडल नहीं लगता है। तो मेरे पास जितना ज्ञान है मैं अपना ज्ञान सबको शेयर करता हूँ और मैं नेशनल प्लेयर हूँ, नेशनल भी खेल चुका हूँ, स्टेट तो कितने बार चैंपियन हुआ, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन हुआ और यूनिवर्सिटी चैंपियन हुआ और नेशनल में मैं पार्टिसिपेट किया। और आप लोग का प्यार रहेगा तो मेरा यही लक्ष्य है कि आर्मी में भर्ती होकर और देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगा। और भैया के फिजिकल है तो भैया का एक बार फिजिकल का मौका दीजिए, आइए भैया में। और अच्छा नहीं ट्रेनिंग करिएगा आप चले जाइए, पर आके एक बार तो मौका भैया का देकर देखिए। और भैया आप जय हिंद दोस्तों, मैं चंपारण फिजिकल एकेडमी से पवन गुप्ता और ये जो मेरे भाई हैं इनको हम लोगों को कल 2 बजे शाम में इसका इन्फॉर्मेशन मिला कि नशा मुक्ति जो हाफ मैराथन है होने वाली है 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की, जिसमें मैंने आफ्ताब भाई को बोला और आफ्ताब भाई के माध्यम से ही मेरे बड़े भाई समान हैं जो कि बेतिया से चल के यहाँ अपने चंपारण में आए हुए हैं और ये 10 किलोमीटर में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। और हम ये भाई से यहीं बोलना चाहेंगे कि मेरे तरफ से जो भी मतलब कमी हो या जो भी मतलब मेरे तरफ में या मेरे फिजिकल एकेडमी में कमी दिखे तो उस कमी को ये मेरे से शेयर करें और मैं अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करूंगा। और मैं यहीं बोलना चाहूंगा कि जो भी भाई मेरे भाई या बहन मेरे इस वीडियो के माध्यम से हमको देख रहे हैं तो मेरा चंपारण फिजिकल एकेडमी गांधी मैदान में चलती है, एक बार मुझे सेवा का मौका ज़रूर दें। और ये ना है कि आप यहाँ पे आइए तो ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पहले आके आप एडमिशन ही करा लीजिए या जो भी इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है करा लीजिए, ऐसा कुछ ना है। पहले आप आइए और अपना 7 दिन का डेमो लीजिए मेरे से, अगर हम उस लेवल का लगे कि हाँ ये चंपारण फिजिकल एकेडमी का ट्रेनर पवन गुप्ता हमको ट्रेन कर सकता है, उस लेवल तक उस ओहदा तक हमको पहुँचा सकता है, तब आप मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए या उसका जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह है उसको फिलअप कीजिए और जो यहाँ का रूल नियम है उस रूल नियम को फॉलो कीजिए, बस यही बोलना चाहता हूँ। और मेरे रंजन भाई या जो भी हैं या आफ्ताब भाई या विवेक भाई, इन लोगों को मेरे तरफ से अगर कोई भी कमी दिख रहा है या मेरे स्टूडेंट को मेरे तरफ में कमी दिख रहा है या मेरे फिजिकल स्टैंडर्ड में कमी दिख रहा है या एक्सरसाइज में कमी दिख रहा है या पुलअप हो या कोई भी इवेंट्स हो उसमें अगर मेरे में कमी दिख रहा है तो आप लोग बेहिचक मेरे से बोलें या मेरे से शेयर करें, उस कमी को दूर किया जाएगा। और मेरा सतत प्रयास रहेगा, लगातार यही प्रयास रहेगा कि मैं इस चंपारण के धरती पे आने वाले समय में या अभी वर्तमान में जो भी मेरे पास बच्चा है या लड़का है या लड़कियां हैं उनको अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग दे करके उनको अपना गंतव्य स्थान तक पहुँचाऊँ। और मैं मेरे में जब तक जान है तब तक मैं इस चीज़ को लेकर लगातार कि आप लोग गांधी मैदान, पटना वाला गांधी मैदान नहीं है, गांधी मैदान मोतिहारी का गांधी मैदान है इसमें। और आप लोग ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, आप लोग के नेशनल तक पहुंचाना मेरा काम है, मेरा चैनल पे जुड़े रहिएगा। तो क्या होता है जैसे सरकारी जब गेम होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, स्टेट होता है कि तो सबको पता नहीं चल पाता है, तो मैं वीडियो के माध्यम से जब डिस्ट्रिक्ट गेम होता है तो हर एक क्या बोलते हैं जिला का अलग अलग दिन होता है, तो मैं वीडियो के माध्यम से बताता हूँ कि इस दिन इस जिला के है, उसके बाद स्टेट होता है, स्टेट के बाद नेशनल होता है, उसमें कितने प्रतिभागी चुनाता है, नेशनल में के लिए कितना टाइम क्वालिफाई है, तो आप लोग के ये सारा हम वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए, आप प्यार दुलार देते रहिए। जय हिंद।